बिहार के भागलपुर जिले में भयंकर विस्फोट हुआ है। जोरदार धमाके से कई मकान ध्वस्त हो गए। धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार हादसे में 12 लोगों के मारे जाने की सूचना है, वहीं 12 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। पड़ोसियों का आरोप है कि मकान में बम बनाए जाते थे। भागलपुर जिले के तातारपुर पुलिस थाना क्षेत्र के काजवलीचक मोहल्ले में ये धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज हो गई। वहीं आसपास के 3 मकानों की दीवारें भी टूट गईं। धमाके से कई अन्य घरों की खिड़कियों के शीशे टूट कर गिर गए। जिस बिल्डिंग में ये धमाका हुआ वो कोतवाली से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थी। घटना के बाद मौके पर पुलिस के अफसर वहां पहुंचे। जमींदोज हुए मकानों के मलबे को हटाने का काम जारी है। मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। भागलपुर DIG सुजीत कुमार ने कहा कि शुरुआती जांच के बारूद और अवैध पटाखा और देसी बम से धमाके की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि FSL की जांच के बाद तय होगा कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। फिलहाल घायलों का भागलपुर के मायागंज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मकान के मलबे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। विस्फोट की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घटनास्थल से 4 किलोमीटर की परिधि में आने वाले लोगों ने तेज झटके महसूस किए। कई लोगों को लगा कि भूकंप आ गया है। कंपन महसूस करते ही घरों से बाहर निकलकर लोग भूकंप के बारे में जानकारी लेते नजर आए। पड़ोसियों का कहना है कि शुरुआत में सिलेंडर फटने जैसी आवाज आई थी। जहां पर धमाका हुआ वहां बारूद का काम होता था। अवैध देसी बम भी बनाए जाते थे। आतिशबाजी के आड़ में ये कारोबार चल रहा था। बता दें कि 2008 में भी ऐसा ही विस्फोट हुआ था। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर प्रतिशेखर ने घटना पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भागलपुर में आए दिन बम विस्फोट की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन को इस पर लगाम लगानी चाहिए। भागलपुर के SSP बाबूराम ने कहा कि बचाव कार्य चल रहा है, मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद ही घटना का सही कारण सामने आएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।